दोस्तों वेलकम बैक टू माय एक और न्यू ब्लॉग। आज हम एक गुग्गेर के किले पर और यहाँ पर हम आए घूमने के लिए और यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक भी आई है और बहुत सारी बकरियां भी चल रही है और मेरा भाई वहाँ पर बैठा है जो उसको यहाँ पार होने में थोड़ा डर लग रहा है और मेरे दोस्त वहाँ पर चले गए बहुत दूर। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मेन एंट्रेंस के, यहाँ पर गेट का मेन द्वार है और यहाँ पर मंदिर है और हम ये है यहाँ से नजारा ब्यूटीफुल। और हम जा रहे हैं हमारे दोस्तों के पास और निकल चुके हैं बहुत दूर। हाँ बहुत छोटी पट्टी जो और इधर बकरियां चल रही है और नीचे से देख सकते हैं गुग्गेर किले का नजारा। शेयर कर रहे हैं अभी गुग्गेर के किले की और हम यहाँ पर देख सकते हैं कितने ऊपर आ चुके हैं, बहुत ऊपर। और ये बहुत हरा भरा अभी लग रहा है किला और उधर है गुग्गेर की नदी और हम चढ़ते हैं इसके ऊपर। या और यहाँ से देख सकते हैं कितना शानदार नजारा है, इधर है गुग्गेर का किला, देख सकते हैं बहुत शानदार नजारा है। और ये और हम जा रहे हैं जंगल में होके मंगल करने के लिए, हमें मिलेगा शहर हम उसकी भाड़ेंगे। और जिसने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक करे, कमेंट करे, नहीं तो डंडा ठोक के जाए, डंडा फोड़ के डंडा ठोक के जाए। और यहाँ पर शूटिंग चल रही है मधुबाला सेकंड की गदर 2-3 की। गदर 3 की शूटिंग चल रही है। किले की दीवारों से नीचे उतर चुके हैं, हम चल रहे हैं मैदान में और हम जा रहे हैं इधर जिसमें दीवारें होते हैं क्या, जिसमें किला की दीवारें होती है क्या, वो होता है वो होता है दरवाजा होता है किला का। तो दरवाजे पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, दरवाजे से हम देखेंगे कि यहाँ पर कैदियों को कैसे मारा जाता था, कितने पुराना दरवाजा है, आज से 100 साल पुराना, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हैं। पहुंच चुके किले के पीछे की ओर और यहाँ से देख सकते हैं नजारा और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ डूंगे टेक कर। और देख सकते हैं व्यू, वहाँ है खम्बे, उनकी मान्यता है कि उनकी इतनी छत्रियां हैं जितनी बार गुनोगे उतनी बार कम पड़ेगी। गणा दरवाजा ना गेट का, ये भी नया नया ब्लॉगर बनने वाला है, इसको भी लाइक करे फॉलो करे। 5 साल को बच्चों से 10 साल की लाड़ी है। किले का बहुत शानदार व्यू नजर आ रहा है और हमारे दोस्त जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं इसके पीछे से देखते हैं। एक दीवार पे पैदल चल के जाना है और कितना खतरनाक रिस्क है ये, पर कहते हैं ना रिस्क में ही मजा है। ओए डर लगा रहे, मुझे डर लगा रहे, ओए अब मैं कैसे कूदूं इतनी ऊपर से। और ये रानी महारानियों के कमरे रहने के लिए, पहले ऐसे कमरे हुआ करते थे, ये गुसलखाना है उनका, गुसलखाना ये बोल रहे गुसलखाना है। और इधर है नदी का व्यू, फिर आगे और देख सकते हैं कितनी गर्मी पड़ी हुई है यहाँ पर, हालत खराब हो रही है। रात को इतना पानी पड़ा फिर भी गर्मी बहुत ज्यादा है और हम भी फिर भी इस गर्मी में आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप भी यहाँ के रहने वाले हो तो एक बार विजिट जरूर करना। अभी तो बहुत शानदार व्यू है यहाँ पर और पीछे है नदी, उसमें आप स्नान भी कर सकते हो। देख सकते हैं,
वापिस फिर उतर चुके हैं किले की दीवार से नीचे और हम वापिस जा रहे हैं वापिस गेट के बाहर और देखते हैं और क्या मिलता है हमें यहाँ पर देखने के लिए। और इसको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है जो पीपल की छांव का फोटो के लिए जा रहा है। हम नहीं खात रहे फोटो नहीं खात रहे हम जा रहे हम तो। और यहाँ का मैदान है जिसमें राजा महाराजा खेला करते थे खेल कूद। और ये गेट है वापिस यहाँ पर राजा महाराजा खेला करते थे रानियों के साथ में क्रिकेट। समझा रानियों के साथ में। हाँ यार अच्छी लोकेशन है अच्छी लोकेशन है। कभी कभी तो फुटबॉल का गेम भी खेलते थे। किया दिलाएगा इसे बहुत बुरा हाल हो चुका है और हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ रिटर्न हो रहे हैं और मिलते हैं आपको एक और न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर बाय। से बाहर निकल चुके हैं ये गेट था मेन एंट्रेंस था जो हम यहाँ पर एंटर किए थे और हम जा रहे हैं पैदल वापस। हमारी बाइक क्या नीचे चली गई है और वो अभी जो नई पुलिया बनी है वो नई पुलिया है और ये नीचे जाने का रास्ता है किले से। ये मेरे दोस्त है जो जा रहे हैं आ गई और हम जा रहे हैं वापस रिटर्न। मिलते हैं आपको एक और न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर बाय।